लेखा शास्त्र कक्षा 12 अध्याय 10 वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। नमस्कार मित्रों, मैं रामावतार बटुक आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक स्वयंपाठी विद्यार्थी हूँ। मैं इस प्रकार पढ़ता हूँ जिससे मुझे 70% से अधिक याद हो जाता है। प्रश्न 1, संक्षिप्तीकरण क्या है? उत्तर, विभिन्न प्रकार की लेखा मदों में से एक ही प्रकृति की लेखा मदों को एकीकृत करना संक्षिप्तीकरण कहलाता है। प्रश्न 2, वित्तीय विवरण क्या है? उत्तर, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया का परिणाम ही वित्तीय विवरण है। प्रश्न 3, वित्तीय विवरणों का उद्देश्य क्या है? उत्तर, संस्था की आर्थिक स्थिति एवं लाभदायकता का चित्रण करना ही वित्तीय विवरणों का उद्देश्य है। प्रश्न 4, वित्तीय विवरणों के माध्यम से हमें कौन सी सूचनाएं मिलती हैं? उत्तर, वित्तीय विवरणों के माध्यम से हमें किसी व्यवसाय के परिचालन परिणामों एवं उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में व्यवस्थित एवं संकलित सूचनाएं प्राप्त होती है। प्रश्न 5, लेखांकन के 3 प्रमुख चरण कौन से हैं? उत्तर, अभिलेखन, वर्गीकरण और वित्तीय विवरण, ये लेखांकन के 3 प्रमुख चरण हैं। प्रश्न 6, वित्तीय विवरण किसका परिणाम है? उत्तर, वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रथम और द्वितीय प्रक्रिया का परिणाम है। प्रश्न 7, वित्तीय विवरण किसकी सहायता से तैयार किए जाते हैं? उत्तर, वित्तीय विवरण लेखांकन अभिलेखों की सहायता से मान्य स्वीकृति लेखांकन सिद्धांतों व परिणामों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। प्रश्न 8, वित्तीय विवरण किन के लिए उपयोगी है? उत्तर, स्वामियों और बाह्य उपयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय विवरण उपयोगी है। प्रश्न 9, वित्तीय विवरण प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? उत्तर, वित्तीय लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद वित्तीय विवरण है। प्रश्न 10, वित्तीय विवरणों का अर्थ क्या है? उत्तर, 1, लेखा अभिलेखों से प्राप्त ऐसी वित्तीय सूचनाएं जो संक्षिप्त और संपूर्ण रूप में है। 2, एक निश्चित समय पर संस्था की वित्तीय स्थिति तथा एक निश्चित समयावधि की क्रियाओं के परिणाम का चित्रण है। 3, लेखांकन सूचनाओं का आंतरिक व बाह्य पक्ष के समक्ष प्रस्तुतिकरण का माध्यम है। प्रश्न 11, कंपनी अधिनियम की धारा 240 के अनुसार सामान्यतः वित्तीय विवरणों के पूरे सेट में किन्हें शामिल किया जाता है? उत्तर, 1, चिट्ठा, 2, लाभ हानि खाता, 3, लेखांकन टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक टिप्पणियां, और 4, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं खंड प्रतिवेदन को वित्तीय विवरण के सेट में सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न 12, चिट्ठा क्या है? उत्तर, चिट्ठा एक निश्चित तिथि को संस्था की संपत्तियों व दायित्वों का वित्तीय विवरण होता है। चिट्ठे को स्थिति विवरण भी कहते हैं। प्रश्न 13, लाभ हानि खाता क्या है? उत्तर, लाभ हानि खाता एक लेखा अवधि में
व्यवसायिक क्रियाओं के शुद्ध परिणामों को बतलाता है। इसे आय व्यय विवरण भी कहते हैं। प्रश्न 14, लेखा टिप्पणियाँ क्या हैं? उत्तर, लेखा टिप्पणियाँ चिट्ठा तथा लाभ हानि खाते के नीचे दी हुई होती है, जिसमें इनमें दर्शाई गई मदों का विस्तृत ब्यौरा होता है। प्रश्न 15, व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ क्या हैं? उत्तर, व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण मदों के संबंध में लेखांकन नीतियों एवं स्पष्टीकरणों का एक विवरण होता है। प्रश्न 16, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से कौन प्रस्तुत करता है? उत्तर, एक, सूचीबद्ध कंपनियां, दो, जिन कंपनियों की बिक्री 50 करोड़ से अधिक है, और तीन, जिन कंपनियों ने जन निक्षेप 10 करोड़ या इससे अधिक के स्वीकार किए हैं को ही रोकड़ प्रवाह विवरण और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। प्रश्न 17, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं प्रतिवेदन किस प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं? उत्तर, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं प्रतिवेदन क्रम से लेखांकन प्रारूप 3 व लेखांकन प्रारूप 17 के अनुसार बनाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रश्न 18, रोकड़ प्रवाह विवरण क्या दर्शाता है? उत्तर, रोकड़ अंतर प्रवाह है, रोकड़ बाह्य प्रवाह है एवं रोकड़ व रोकड़ तुल्य को रोकड़ विवरण प्रवाह दर्शाता है। प्रश्न 19, वित्तीय विवरण प्रतिवेदन में किन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता है? उत्तर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार वित्तीय विवरण एक निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें अध्यक्षीय भाषण, संचालकों के प्रतिवेदन, प्रबंध के विचार एवं विश्लेषण सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। प्रश्न 20, वित्तीय विवरणों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, एक, संस्था के वित्तीय परिचालन, निष्पादन एवं रोकड़ प्रवाह के बारे में उनके विभिन्न उपयोगकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराना है। प्रश्न 21, वित्तीय विवरण विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए किस प्रकार उपयोगी है? उत्तर, ये विवरण उपयोगकर्ताओं के लिए मूल्यवान सूचनाओं के स्रोत है, जिनका विश्लेषण कर वे अपने निर्णय सुगमता से ले सकते हैं। प्रश्न 22, वित्तीय विवरणों के उद्देश्य कौन कौन से हैं? उत्तर, एक, ऐसे वित्तीय विवरण सम्मंक उपलब्ध करना जो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति से संबंधित हो। दो, एक संस्था के परिचालन लाभों को उनकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव दिखाना। तीन, वित्तीय विवरणों के हिताधिकारी पक्षकारों को संबंधित सूचनाएं प्रदान करना। चार, व्यवसाय की सही व उचित स्थिति का चित्रण करना। और पाँच, भावी क्रियाओं के लिए आधार प्रस्तुत करना है। प्रश्न 23, वित्तीय विवरणों की प्रकृति किन पर आधारित है? उत्तर, वित्तीय विवरणों की सभी अभिलेखित सूचनाएं प्रमाणित साक्ष्यों पर आधारित है। प्रश्न 24, वित्तीय विवरण लेखांकन प्रपत्रों के आधार पर क्यों बनाई जाती है? उत्तर, लेखांकन परंपराओं के उपयोग से वित्तीय विवरण विश्वास योग्य,
समझने योग्य एवं तुलना योग्य हो जाते हैं, जैसे रूढ़िवादिता परंपरा के कारण भावी ज्ञान आनियों के लिए आयोजन बनाना, इसके परिचालन परिणाम ज़्यादा वास्तविक हो जाता है। प्रश्न 25, वित्तीय विवरण लेखांकन अवधारणा को अपनाते हुए क्यों बनाया जाता है? उत्तर, चालू व्यवसाय अवधारणा के अनुसार लेखे ये मानते हुए रखे जाते हैं कि व्यवसाय सतत रूप से चलता रहेगा, इससे वित्तीय विवरण अधिक योग्य, समझने योग्य एवं तुलनीय बनाते हैं। प्रश्न 26, वित्तीय विवरण लेखांकन को व्यक्तिगत निर्णय कैसे प्रभावित करते हैं? उत्तर, जैसे स्टॉक के मूल्यांकन में कौन सी विधि अपनाई है, ये निर्णय प्रबंधकों का व्यक्तिगत निर्णय होगा जो वित्तीय परिणामों को प्रभावित करता है, अतः व्यक्तिगत निर्णय भी वित्तीय विवरणों को बनाने में भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 27, व्यवसाय की लाभदायकता एवं आर्थिक स्थिति के बारे में निष्कर्ष के आधार पर निकाले जाते हैं। उत्तर, वित्तीय सूचनाओं का प्रमुख स्रोत होने से व्यवसाय की लाभदायकता आर्थिक स्थिति के बारे में वित्तीय विवरणों द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रश्न 28, वित्तीय विवरणों की विशेषताएं क्या है? उत्तर, 1, संक्षिप्तीकरण, 2, उपार्जन आधार, 3, मुद्रा में व्यक्त, 4, तकनीकी शब्दावली, 5, मान्यता पर आधारित, 6, भूतकाल पर आधारित और 7, मान्य सिद्धांतों पर आधारित है। प्रश्न 29, संक्षिप्तीकरण क्या है? उत्तर, विभिन्न प्रकार की मदों को वर्गीकरण के बाद उनको सारांश रूप में लिखना, यही संक्षिप्तीकरण है। प्रश्न 30, उपार्जन आधार क्या है? उत्तर, सामान्यतया व्यावसायिक लेखे उपार्जन आधार पर ही बनाए जाते हैं, रोकड़ आधार पर नहीं, ये वित्तीय विवरणों की एक विशेषता है। प्रश्न 31, वित्तीय विवरण मुद्रा में व्यक्त क्यों किए जाते हैं? उत्तर, वित्तीय विवरण मौद्रिक मूल्य में ही व्यक्त किए जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा ये अर्थहीन है। प्रश्न 32, वित्तीय विवरणों को किस शब्दावली में प्रस्तुत किया जाता है? उत्तर, वित्तीय विवरण बनाते समय विभिन्न मदों की तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 33, वित्तीय विवरण किस मान्यता पर बनाए जाते हैं? उत्तर, वित्तीय विवरण इस मान्यता पर बनाए जाते हैं कि अभीष्ट उपयोगकर्ता इसमें प्रयुक्त प्रक्रिया एवं नियमों से परिचित है। प्रश्न 34, वित्तीय विवरण किस काल के समकों पर आधारित होते हैं? उत्तर, ये भूतकालीन समकों पर आधारित होते हैं, भावी आर्थिक क्रियाओं से इसका कोई लेना देना नहीं। प्रश्न 35, वित्तीय विवरण किन सिद्धांतों पर आधारित होते हैं? उत्तर, वित्तीय विवरण लेखांकन के मान्य सिद्धांतों व मान्यताओं पर बनाए जाते हैं, जिनके अंतर्गत मूल्यांकन की विधियां, मूल्य ह्रास विधियां आदि के संबंध में मान्य सिद्धांत ही उपयोग में लिए जाते हैं। प्रश्न 36, वित्तीय विवरण को बनाते समय
किन बातों का ध्यान में रखा जाता है और क्यों? उत्तर, वित्तीय विवरण संस्था की लाभार्जन व वित्तीय स्थिति का द्योतक है, अतः इनको बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। एक, समझने योग्य हो। दो, तुलनीय हो। तीन, प्रमाणन योग्य हो। चार, संगत या संबद्धता हो। पांच, वास्तविक हो। और छह, समयबद्धता हो। धन्यवाद।